नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर बलिया से है, जहां 25 दिन चलने वाला बलिया का ददरी मेला अचानक बंद हो गया। दुकानदारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और अपनी दुकानों पर पर्दे लटका दिए। उनका आरोप है कि पहले लट्ठे के हिसाब से जमीन का पैसा लिया जाता था, लेकिन अब चौहदे पर वसूली की जा रही है। लाइट काटती जा रही है। इसके पहले जब जिस समय जमीन आवंटन किया गया था, उस समय कितना बताया गया था आप लोगों से? इससे कोई रेट नहीं बताया गया था। पेपर में निकला था, जो पिछले बार लगा था उतना ही लगेगा। इस बार कितना मांगा जा रहा है? पिछले बार सिर्फ हर साल सीधा कटरा नापा जाता था तार लट्टा, इस बार और कहाँ है इस समय आप? ददरी मेला में हूँ। अच्छा, क्या आपको ये सब दुकानें दिखा? दुकान बंद पता कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, काफी दूर से आप मेला घूमने आए हैं, खुशी के लिए आए हैं आप? रुक जाते यार, मैं बुलेटिन खत्म। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसे? बुलेटिन खत्म करके चल रहे हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां डीएम के आदेश के बाद भी ओवरलोड गन्ने के ट्रक अन्य वाहनों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ओवरलोड गन्नों से भरे ट्रक के पलटने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ताजमहल में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग को लेकर चल रहे मुकदमे में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान एसआई ने सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। एएसआई के अधिवक्ता का तर्क है कि ताजमहल सरकारी संपत्ति है और इसके लिए एएसआई की जिम्मेदारी तय है। देखिए, ताजमहल तेजोमाला है, भगवान शिव का मंदिर है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, जिसको लेकर ये 23 जुलाई सावन के महीने में हमने बात दाखिल किया था कि हमें उसमें जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, जिस पर लगातार हमारी सुनवाई चल रही है। आज 27 नवंबर को इसी विषय में सुनवाई थी। इसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी है मुस्लिम समुदाय से, उन्होंने पक्षकार करने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर भी सुनवाई होनी थी, आज बहस होनी थी, लेकिन एएसआई ने आज जो है आपत्ति दाखिल की है कि जो सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी है उन्हें पक्षकार ना बनाया जाए। जो अधिकार है वो हमें है, हम जो है इसमें जवाब देंगे। जो भी ताजमहल से संबंधित है, जो माला से संबंधित जवाब दाखिल करना है, जो न्यायालय में जो केस चल रहा है उसमें हम जवाब देंगे। आज ताजमहल और तेजो महले वाले केस में तारीख थी, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष था उनके पक्षकार बनने वाली एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, बहस होनी थी और उसका निस्तारण होना था, लेकिन इसमें मुस्लिम पक्ष और एएसआई दोनों पक्ष मिले हुए हैं आपस में, तो आज उन्होंने मुकदमे को टालने के लिए एएसआई ने उस पर आपत्ति दाखिल करी मुस्लिम पक्ष की दरखास्त पर, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने। खबर बिजनौर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और नूरपुर थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि एक महीने पहले नूरपुर क्षेत्र में सचिन कुमार के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन थाना प्रभारी ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित कुमार ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, जिसे लेकर एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष जी, आज आप अपनी ही सरकार में सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने के लिए एसपी ऑफिस तक पहुंचे, ऐसा क्या मामला है जो आपको इस तरह से आना पड़ा? हमें यहाँ नूरपुर थाना क्षेत्र में हमारे मंडल उपाध्यक्ष शिव अवतार जी, उनका लड़का चांगीपुर मिल में नौकरी करता सचिन, उसके साथ पिछली 26 तारीख को एक महीना एक दिन हो गया, कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर मारपीट की थी, जिसमें 307-452 मुकदमा दर्ज हुआ था। कप्तान साहब से पीछे मिले भी थे, तो वहाँ के एसओ नूरपुर के, वो कप्तान साहब को सही बात नहीं बता रहे थे, अच्छे अधिकारी हैं एसपी सिटी साहब कप्तान साहब, उन्होंने तब भी कहा, फ़ोन किया था, अब भी किया, बीच में कप्तान साहब छुट्टी थे आ जाए, कार्यकर्ताओं में आक्रोश, कार्यकर्ता पदाधिकारी का कोई बेटा पिता निर्दोष नौकरी करता, इसलिए हम सब आके मिले, कप्तान साहब ने हम सबकी सुनवाई की और जाँच ट्रांसफर। अध्यक्ष जी, आज आप अपनी ही सरकार में सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने के लिए एसपी ऑफिस तक पहुंचे, ऐसा क्या मामला है जो आपको? खबर बुलंदशहर से है, जहां नरसेना थाना क्षेत्र के निजामपुर बांगर में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह ट्रैक्टर और
कल्टीवेटर के बीच किसान का शव मिला। खेतों में टहल रहे किसानों ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। फिलहाल खेत में पदचिन्ह और ट्रैक्टर के टायरों के निशानों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर गाजीपुर से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन में मौजूद किसान नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। मैं ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूं और संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी उत्तर प्रदेश की उसका सदस्य हूं। ईश्वरी, आज ये भारी संख्या में किसान पीएम कार्यालय है, क्या है मामला? असल में संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान था, जो लिखित समझौता किया था मोदी सरकार ने 9 दिसंबर 1921 को दिल्ली बॉर्डर छोड़ते हुए, उन समझौतों को मोदी सरकार लागू करे उसको लेके हम लोग आए। उसमें खास तौर से MSP C2+50 के हिसाब से लागू है और कानूनी गारंटी है MSP की। उत्तर प्रदेश में आज संगठन महापर्व 2024 की दूसरी कार्यशाला है और अपनी स्थानीय समिति की बूथों को गठन करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सक्रिय सदस्यता के अभियान को भी पूरा किया गया है। इस चरण में मंडल स्तर के गठन और जिले स्तर के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और साथ ही उस पर चर्चा भी की जाएगी। इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। पहले चरण में हम लोगों ने सभी अपनी स्थानीय समितियों को बूथों का गठन करने का काम हम लोग अंतिम चरण में पहुंचे हैं। उससे पहले हम लोगों ने साधारण सदस्यता, सदस्य सक्रिय सदस्यता के अभियान को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। पूरे प्रदेश भर में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़े हैं। इस चरण में हम लोग सभी को खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अतड़िया शव रक्त रजत हालत में पड़ा मिला। अतड़िया के दाएं कंधे के नीचे गोली लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक प्रमोद कुमार की मैनपुरी के नवीन गल्ला मंडी में मौत हो गई है और जिसके बाद ट्रेडिंग कृषि फार्म के नाम से ये फार्म चलाया जा रहा था। प्रमोद कुमार देर शाम नवीन मंडी से घर वापस जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना सामने निकल के आई। पर है तमंचा भी पड़ा हुआ है, क्या पूरी घटना है? अभी सूचना मिली थी, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक श्री प्रमोद जी हैं जिनके हालत का काम करते हैं और जिनकी रक्तरंजित वो यहाँ पर मिली थी और इस सूचना पर उनकी बॉडी को तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ पर शायद उनको मृत अवस्था में लिया गया। इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है कि क्या कारण है और किस प्रकार से पूरी घटना घटी और पूरी जांच करके उसके अनुसार। खबर मथुरा से है, जहां 21 नवंबर को वृंदावन में हुई धर्म संसद में 6 प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे गए। इनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मस्जिद में नमाज बंद करने, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा, ब्रजभूमि में मांस अंडा शराब पर प्रतिबंध, जनसंख्या नियंत्रण कानून और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस लड़ रहे दिनेश शर्मा की सुरक्षा की मांग भी शामिल है। खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 136वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि प्रदान की। वहीं समारोह में 144 छात्राओं को डिग्री भी दी गई और 8 मेधावी छात्राओं को मेडल दिए गए। इसी के साथ ही BSc और BTEC के मेधावी छात्रों को भी कुल 15 मेडल दिए गए। खबर सीतापुर से है, जहां बीच सड़क पर बदमाशों ने महिला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही 3 बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीरीन नाज, क्या हादसा हुआ है आपके साथ?
हम ट्रेन से उतरे थे स्टेशन से, फिर हमने रिक्शा करा है। रिक्शे पे जैसे ही बैठे हैं कुछ दूरी पे, मेरे बैग में सामान भी बहुत सारा था, वो लोग बस सामान खींचने, तीन लोग थे बाइक के साथ और वो जो है ब्लैक कलर का सूट पहने थे और मुंह पे हेलमेट नहीं लगाए थे, गोल चेहरे का फेस था, काला रंग था हम लोग का। पीछा जो था जिसने खींचा था उसको हम जानते हैं, मतलब उसको पहचान देख लिया है, और बाकी जिसने खींचा आगे थे उसको हमने नहीं देखा है। हम सामने दौड़ते हुए चले गए थे, मगर जो है उसने सामान, हम वो लोग बाइक से थे, हम दौड़ रहे थे पैदल, मगर हमको कहाँ मिलेंगे, वो लोग किधर चले गए जान ही नहीं पाए। कितने रुपए का सामान दिया, क्या क्या दिया आपने? उसमें 4,000 रुपए थे, सोने का पैंडल था, चैन थी और एक चांदी का सेट था, एक चांदी सोने की अंगूठी थी, दो चांदी की अंगूठी थी, 250 ग्राम के तोड़े थे उसमें और सोने के बुंदे थे, आर्टिफिशियल चूड़ी कड़े उसमें कड़े थे, उसमें 20,000 का वो IQ कंपनी का फोन था, अभी हमें 6 महीने हुए थे लिए। बेचारी किस्तों से जमा कर कर लगभग। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ।